पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के मौन धरने के बाद कांग्रेस भी सड़क पर उतरी। वहीं सभी संगठनों संस्थाओं ने शनिवार को जिला बंद का आह्वान किया। कांग्रेस ने दोपहर में 4-0 पर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने की मांग और बीजेपी सांसद विधायकों की निष्क्रियता में विरोध किया। तो वहीं नेताओं ने सांसद सुधीर गुप्ता पर भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नई ट्रेनों का भी स्पोर्ट्स और अब मेडिकल कॉलेज भी मंदसौर को देना चाहते हैं। जिले के तीनों बीजेपी विधायकों ने विधानसभा और शासन स्तर पर मेडिकल मामले में चुप्पी क्यों साधी। पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल ने कहा कि मंदसौर में मेडिकल कॉलेज खुले हमें इस पर आपत्ति नहीं, लेकिन नीमच में खुलना चाहिए। सांसद ने नीमच के लिए कोई पहल तक नहीं की। वहीं विरोध भी हुआ तो अप्रयास की बात कर रहे हैं। तीनों विधायक भी जनता के साथ